यूपी के होटल प्रीत पैलेस के कमरे में युवती की चाकू घोंपकर हत्या का मामला सामने आया है। आलम नामक युवक सोमवार दोपहर करीब 1 बजे युवती को होटल लेकर पहुंचा। इसके बाद उसने युवती से होटल में ही निकाह करने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया। कहा कि अगर वह यहां पर निकाह कर लेगी तो सबको लगेगा कि उसने घर से भागकर निकाह किया है। इस पर आलम का गुस्सा फूट गया। उसने जेब से चाकू निकाला और युवती पर हमला कर दिया। वह चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर आलम उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। इससे भी मन नहीं भरा तो उसने युवती का गला रेत दिया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लिया। पुलिस की छानबीन के बाद पता चला कि आलम ने युवती को मारने के बाद अपनी चचेरी भाभी को फोन किया है और खुलासा हुआ कि सोमवार दोपहर बाद करीब 4 बजे आलम का फोन आया। कहा कि उसने युवती को मार दिया है, होटल से उसका शव उठवा लो। इसके बाद आलम ने कहा कि वह खुद भी मरने जा रहा है, फिर फोन काट दिया। उसके बाद आलम का फोन नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को धनेटा फाटक पर मिले शव के बारे में जीआरपी से पूछताछ की। फिर पोस्टमार्टम हाउस पर घर वालों को लेकर जाकर शव की पहचान कराई तो शव आलम का ही निकला।